स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSCL Jobs Online में। दोस्तों बात करेंगे आज हम IBPS किलर्स 31/3/13 का जो आपका किलर का जो फॉर्म भरा गया था उसका रिजल्ट आ चुका है IBPS किलर का। तो आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना IBPS किलर्स का 30 का अपना रिजल्ट चेक करेंगे, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो हम इस वीडियो में बताने वाले दोस्तों, आप वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो। उससे क्या होएगा, आपको जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया करो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे कोई वीडियो आएगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप IBPS किलर्स का 130 का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप आ जाएगा इस वेबसाइट पर। जैसे ही आप आएंगे रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा IBPS किलर्स 13/3/2023, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस खुल जाएगा, देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसकी जो फीस रखी गई थी आपको पता ही है, 850 रुपये थी जनरल OBC डॉलर्स के। SC ST की बात करें तो 175 रुपये फीस थी इसमें। और 1 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट इसकी 28 जुलाई रखी गई थी। और दोस्तों आपका जो रिजल्ट जारी कराया है वो 14 अगस्त, मतलब कि 14 सितंबर में आई थी, कि 14 सितंबर की में जारी कर दिया है 14 तारीख में। ठीक है दोस्तों, आप कैसे चेक करना है वो समझ लीजिए। 4045 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी किलर्स में, जिसमें आपको डिग्री से इसमें अप्लाई करना था। अभी कैसे करेगा, इसका रिजल्ट कैसे चेक करना है वो आप समझ लीजिए। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड प्रे रिजल्ट क्लिक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे 14 तारीख से 21 तारीख के बीच आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या रोल नंबर, इनमें से एक चीज़ डाल देंगे। या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए या रोल नंबर, एक चीज़ से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको आता है पासवर्ड। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम जो आपको आपके नंबर पर एक पासवर्ड आया होगा, या तो आप पासवर्ड डाल दीजिए वो, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप कैसे डालेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लिया 01/01/2002 है, मान लिया 01/01/2001 है, तो आपको कैसे डालना है वो डेट ऑफ बर्थ आप समझ लीजिए। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, देखो इस तरह से 01-01-2002 है ना, तो 02 00 नहीं गिरना आपको, 02 गिरना है बस। अगर आपका लास्ट में 1996 होता तो खाली आप 96 डालते, 95 रहता तो 95 डालते हैं, 1900 मत डालना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पे दे भी रखा है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या रखा भी है, देख सकते हैं ये जो दे रखा है ये आप देखिए, यहाँ पर डेट, दिन, महीना और लास्ट में ईयर दे रखा है। क्या आप ये सारा कुछ डाल देंगे, उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप्चर आपको मिलेगा। कैप्चर डालने के लिए आपको ये कैप्चर डालना है, और कैप्चर डालने में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ये जैसे कैप्चर डाल दोगे तो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको क्या करना है इसी पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि कितने नंबर आए हैं आपके और कितने नंबर नहीं आए आप। ठीक है दोस्तों, मेरे पास किसी बच्चे का डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका निकाल के दिखाता भी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको चेक करना है। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होएंगे। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे जो है डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ आप मुझे सेंड करोगे, मैं आपको टेलीग्राम के द्वारा ही सेंड करके टेलीग्राम पे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हैं, बाकी मैंने आपको प्रोसेस बताई दिया कैसे कैसे आपको निकालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसको सबसे पहले आपको। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कहना चाहता हूँ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।